आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं प्रोफेसर धैया हूँ। तो इसी के साथ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सरा की बीमारी से बहुत लोग वाक परेशान रहते हैं। और सरा ट्रिपनोसोमाइसिस होती है, ये ट्रिपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ये ह्यूमन में भी हो जाता है, अफ्रीका में काफ़ी होता है ट्रिपनोसोमाइसिस। तो इसमें आदमी सोता ही रहता है, स्लीपिंग सिकनेस इसलिए सोता रहता है कि उसका जितना ग्लूकोज है वो ब्लड में होता है, वो ट्रिप्स जो है वो जो है सोख लेते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके होने से जानवर फौरन तो नहीं मरता है, पर धीरे धीरे करके वो बैठ ही जाता है। और रिपीट ब्रीडिंग और ग्रोथ ना होना, बार बार बुखार आना, ये सब होता रहता है। तो इसकी जांच जो है असल में मुश्किल है, क्योंकि ये ब्लड में नहीं रहता है, ये ब्रेन में रहता है। और वो ब्लड में जब भी आता है जब आप उसको जानवर को ग्लूकोज देंगे। तो इसका वैसे इसका ब्लड जो है चूहों में इंजेक्ट कर दिया जाता है, या जानवर को ग्लूकोज दे देते तब ये ब्लड में आ जाता है। तो ये न्यू अराइवल है, जितने भी आपके जानवर नई तरह से आते हैं, जहाँ चावल की खेती होती है, जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड है, यहाँ ये काफी होता है। और ये मक्खी से होता है, ये डांस जो होती है उससे होता है। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि तीन दवाई है। एक तो ये बेरेनिल, जिसे डाइमिनाजीन कहते हैं, जो है ये बेरेनिल, ये हर जगह मिल जाती है, काफी सस्ती है, काफी दिन तक आप इसे रख सकते हैं। और जितने भी आपके न्यू अराइवल है आप उसमें रखिए। पर ये डाइमिनाजीन जो है ये ऊंट में और RTU भी कहते हैं थे, ये ऊंट में और घोड़े में काम नहीं करती है ये जो है। और ये भैंस में तो मतलब ट्रिपनोसोमाइसिस में भी करती है, थलेरिया में भी करती है, बबेसिया में भी करती है, पर गाय में ये बबेसिया में बहुत कारगर है और ट्रिपनोसोमा में भी ये कारगर है। इसकी डोज जो है वो 5 ml/100 kg होती है। आप इसको इंट्रामस्कुलर डीप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, आप 6-6 महीने पर लगा दीजिए। मैंने तो देखा है कि अगर आपके पशु को बार बार मैस्टाइटिस हो रही है तो उसमें भी ये बड़ा इम्यूनोप्रोटेक्टाइजर है। तो आपके न्यू अराइवल जितने भी आते हैं जानवर नए खरीदते हैं उनमें आप इसका एक शॉट लगा दीजिए। इसके अलावा ये कभी कभी ट्रिपनोसोमाइसिस में ये काम नहीं करता है तो ये ट्राइक्विन है, देखिए ट्राइक्विन, इसको भी ट्राइकुन को यूज करते हैं। ये इसकी विशेष बात है कि ये घोड़े में ऊंट में काम करती है, ये गाय में भी काम करती है, पर वो जो मैंने दिखाया था ये घोड़े में ऊंट में काम नहीं करता है रेडी टू यूज। इसके अलावा और भी दवाई है, जैसे ये है आपके सराल है, तो सराल है ये ट्रिपनोसोमा में होता यह है कि वो होता है वो धीरे धीरे जानवर बैठता जाता है, फिर वो दिमाग में चले जाते हैं, फिर वो जानवर सर्कल में घूमने लगता है और बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसकी आप प्रोफाइल इलेक्टिव डोज भी दे सकते हैं, अगर आप एक बार इसको लगा देंगे नए जानवरों में तो आप इस रोग से वंचित हो जाएंगे। तो ये तीन दवाई मैंने आपको बताई, एक तो ये ट्राइक्विन है, एक ये सराल है और एक ये डाइमिनाजीन है। तो ये टिक फीवर में सब काम करते हैं, पर ये जो है वो थलेरिया में काम नहीं करते। तो मैंने आपको यही इसके बारे में बता दिया कि ये क्या चक्कर है। आप इसको बेरेनिल है रेडी टू यूज, इसको घोड़े में और उसमें यूज ना करें। वैसे मैं आपको बताऊं ये पहले नहीं मिलता था, तो जो लोग वहाँ हज पे जाते थे वो इसको ट्राइक्विन वगैरह को वहाँ से अरेबिया से ले आते थे, पर ये अब फ्रीली मिल रहा है। और आप इसका प्रोफाइल एक्टिव डोज लगाइए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी जानवर को जो है एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ देने से भी कुछ नहीं होता है। देखिए ट्रिपनो जो आपका वो है थलेरिया, उसमें तो जानवर मर जाता है। जो बबेसिया है उसमें क्या होता है कि उसमें मजा लाल पेशाब होता है, तो उससे आदमी पहचान लेता है। और ट्रिपनोसोमा में धीरे धीरे मरता है वो एनिमल जो है, और इससे बचना बहुत आसान है। एक डांस होती है मक्खी, और वो उस मक्खी से को आप अगर जानवर पे पोरॉन वगैरह लगा देंगे ऊपर से तो वो मक्खी नहीं बैठेगी, या आप ब्यूटॉक्स लगा दिए तो भी वो मक्खी नहीं बैठेगी। अगर मक्खी बैठेगी, मक्खी काटेगी तो ये ट्रिपनोसोमाइसिस हो जाती है। तो ये मैंने आपको जो ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस होती है या एनिमल में ट्रिपनोसोमाइसिस होती है, जैसे चक्री का भी रोग भी कहते हैं और वो मक्खी रोग भी कहते हैं, तो पंजाब में मक्खी कहते हैं, बहुत से लोग चक्री कहते हैं, और ह्यूमन में जब ये हो जाता है तो उसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, वो आदमी हमेशा सोता ही रहता है। तो उसका ये इलाज है, और इसकी जो है डायग्नोसिस
जरा मुश्किल है पर लोग कर लेते हैं इसको। स्पाइनल कटेरियन को बता रहा हूँ मैं, क्या स्पाइनल फ्लूड को निकाल के एपिड्यूरल से वहां से कर सकते हैं, या आप पहले उसे ग्लूकोज चढ़ा दीजिए उसके बाद आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्लाइड में माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई दे जाता है। परंतु आपकी सुविधा के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि आपने अगर नए जानवर खरीदे तो आप इसका एक शॉट जो है बरसात से पहले और बरसात के बाद लगा दीजिए। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि अगर आप ये बेरेनिल या डाइमिनाजीन को यूज करेंगे तो ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और मैंने इसको मैस्टाइटिस में काफी यूज किया है। अगर आपको सीवियर मैस्टाइटिस है, बार बार मैस्टाइटिस हो रही है, तो एक बार इसको बेरेनिल को ये रेडी टू यूज है, डायमिनाजीन होता है इसमें, इसको लगा दीजिए। मैं वेटनेरियन से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसे मैस्टाइटिस में यूज करके देखिए। धन्यवाद, आपने सुना। मैं यहाँ देहरादून में हूँ, मेरा यहाँ पे फार्म है, मैं एम्ब्रो ट्रांसफर लैब भी है, मैं अपनी संतुष्टि के लिए एम्ब्रो ट्रांसफर करता हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ और मैं अवार्डेड भी हूँ एम्ब्रो ट्रांसफर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DPT से। तो इसमें मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने काम किया है, तो इसी को मैं अपनी संतुष्टि के लिए करता रहता हूँ। मैं मास्टर आदमी इसलिए किसी को अगर ये सीखना हो तो मेरे पास आके सीख सकते हैं। मैं इसका कोई कॉमर्शलाइजेशन नहीं करता हूँ। वैसे मेरा यहाँ डेयरी से संबंधित स्कूल भी है, इसमें मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप 7979848332 पे संपर्क कर सकते हैं, राजा जी हैं, और आप आ सकते हैं हमारे यहाँ और एक हफ्ते में ही हम आपको सब प्रकार की ट्रेनिंग से अवगत करा देंगे। धन्यवाद, आपने सुना।